क्या कहा दीपिका पादुकोण ने अपने अगले प्रोजेक्ट यानी कि महाभारत के बारे में? कौन पांच बड़े और अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज हैं जो कि महाभारत की कथा से बहुत प्रेरित हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान और मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अब तक जैसा कि आप जान ही गए होंगे, आज के सवालों के जरिए ये वीडियो महाभारत फिल्म के बारे में है। अब हमने आपको पिछली वीडियो में इसकी कास्ट और क्रू के बारे में तो डिटेल में बताया था, वहीं इसलिए डिटेल्स में आज आपका समय नहीं व्यर्थ करूंगी, इसीलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए, आपको ये तो पता होगा कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड अभिनेत्री हैं और हर साल वो एक नई ऊंचाई छूती हैं उनकी फिल्में और बाकी अचीवमेंट के जरिए। अब वो इतना कुछ कर चुकी हैं अब तक कि वो इतनी सफलता के बिल्कुल लायक भी हैं। अब आप ही देख लीजिए, एक्टिंग से पहले वो नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं अपने पापा प्रकाश पादुकोण की तरह, और उन्होंने काफ़ी मैचों में हिस्सा भी लिया है। फिर इसके बाद तो वो एक मॉडल थी और कम से कम भारत में तो बहुत जानी मानी मॉडल थी। इसके बाद इन्हें इनकी सुंदरता को देखकर काफ़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिसमें से इन्होंने ओम शांति ओम शाहरुख खान के साथ करने का फैसला लिया और उसके बाद की तो बात हिस्ट्री ही है, क्योंकि अब तो वो काफ़ी मशहूर और चहेती स्टार बन चुकी हैं जिनके अभिनय की कला का प्रदर्शन बहुत कम लोग कर पाते हैं। साथ ही इनकी एक फैशन लाइन भी है ऑल अबाउट यू नाम की, जिसमें कि उन्होंने कुछ कपड़े तो खुद डिज़ाइन भी कर चुके हैं। मतलब छोटे में अगर कहूँ तो दीपिका एक बहुत ही एम्बिशियस और स्ट्रांग महिला है जिन्होंने बहुत से काम किए हुए हैं और उन सभी कामों का ये बहुत अच्छी भी रही हैं। तो अब इनके पूरी उम्मीद की जा सकती है इस बात की कि ये अब भी और नई चीज़ें ट्राई करें, जो कि ये कर भी रही हैं। असल में महाभारत मूवी की फ्रेंचाइजी की निर्माता दीपिका पादुकोण ही है मधु मंटेना के साथ। पहले इनकी अफवाह थी कि आमिर खान महाभारत प्रोड्यूस करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल गलत है। दीपिका ने कुछ समय पहले ही इस फिल्म में अपने निर्माता के पद की घोषणा की है। साथ ही इसकी लीड अभिनेत्री भी हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। हाल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये फिल्म उनके लिए बड़ी ही मुश्किल है, क्योंकि एक लंबी गाथा को इतनी छोटी फिल्म में अच्छे से उतारना और संवारना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि महाभारत सच में बहुत लंबी है और इसमें जो बातें हैं बड़ी डिटेल में लिखी हैं, तो उन्हें फिल्म में दिखाना सच में काफ़ी मुश्किल काम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म बनने में बाकी किसी आम फिल्म के मुकाबले कम से कम 5 गुना ज़्यादा मेहनत लगेगी और उतना ही समय भी लगेगा। अब इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता, मुझे लगता है, पर हाँ, दीपिका ने जिस तरह से बाकी सारे अपने काम और प्रोजेक्ट्स आज तक इतने अच्छे से किए हैं, उम्मीद है, कुछ हद तक विश्वास भी, कि ये भी वो अच्छे से कर दिखाएंगे। अब चलिए इस बारे में बात करते हैं कि वो कौन से सेलेब्स हैं जिनके जीवन में महाभारत की गाथा ने इंस्पिरेशन और प्रेरणा की तरह काम किया है। अब देखिए, महाभारत एक ऐसी गाथा है जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो कि 12,000 साल पहले गठित होने के बावजूद आज तक लोगों को रिलेटेबल लगती है।
इस वजह से लोग इसे बड़ा ही अच्छा मानते हैं। तो बहुत से मशहूर स्टार्स भी हैं जो कि ऐसा ही सोचते हैं इसके बारे में, और वे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जॉर्ज हैरिसन, स्टार वार्स के क्रिएटिव जॉर्ज लूकस, थीमेट्रिकस फ्रेंचाइज के क्रिएटर यानी कि वचोस्कीज, और अंततः एटम बॉम्ब के बाप यानी कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब आप ही देखिए, ये सभी लोग अपने अपने जीवन में और अपनी अपनी फील्ड्स में बेस्ट हैं, तो कितना गहरा असर हुआ होगा महाभारत का इनके जहन पर, और कितना अच्छा असर हुआ होगा इन पर, ये भी आप देख सकते हैं। ये देख कर लगता है कि शायद सभी को महाभारत पढ़ना और समझना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब इसे फिल्म के फॉर्म में लाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से बहुत लोग इसे देख और समझ पाएंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही, अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ये बताना तो बिल्कुल ना भूलें कि आप अगली वीडियो में किस मूवी या सीरीज के बारे में जानना पसंद करेंगे। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।